फ्रेंड्स कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बेहतर होंगे। सीबीएसई क्लास 10 वाले बच्चों के लिए सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज कर लिया है और आज हम लोग सैंपल पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। सैंपल पेपर में आपका जो पेपर होगा इस बार जो सीबीएसई के द्वारा से जो निकला है वो सब्जेक्टिव होगा, जिसमें आपका क्वेश्चन पेपर को तीन भाग में डिवाइड किया हुआ है, ए बी और सी, ये तीन भाग में डिवाइड है। जिसमें सेक्शन ए में अगर हम कहें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो 6 है, जो 2 नंबर का है टोटल हो जाएगा ये 12 मार्क्स का। और सेक्शन बी में अगर आप बात करेंगे तो 4 क्वेश्चन है, चार नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 है, मार्क्स 3 है, तो 4 × 12 ये भी हो गया। सेक्शन सी में ये जो है आपका 4 क्वेश्चन है, 4 नंबर का है, तो ये हो गया 16, टोटल हो गया 40। यानी टर्म 2 के एग्जामिनेशन का जो पैटर्न जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने निकाला है उसमें पूरी तरह से 100% सब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स। इसलिए अब आप लोगों को अगर प्रिपरेशन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर करना है पूरा डिटेल बढ़िया से, तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं टर्म 2 की ओर का सैंपल पेपर। जैसा कि पहला क्वेश्चन सीबीएसई का द्वारा से जो दिया हुआ है वो देखिए सेक्शन ए को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सेक्शन ए है, ठीक है। सेक्शन ए में क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए 15 यानी 25 माइनस ए 15 4, और वैल्यू दिया हुआ है फोर द एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 6, 9, 12 और 15। इसमें हम लोगों का ए 25 और ए 24 का वैल्यू निकालना है, तो सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला देखिए यहां ध्यान दीजिए, ये एपी में 6, 9, 12 और 15 आर इन एपी। ये एपी में क्यों है, क्योंकि अगर आप इन दोनों का क्वेश्चन में एपी में कहा है, अगर इसको हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं, इसको सेकंड टर्म कहते हैं, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, तो यहाँ फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है वो है 6, और कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं वो 9 में से 6 घटा दीजिएगा तो वो बच गया 3। क्लियर। अब हमें निकालना कितना है, आप ए 25 निकालना, कितना है पहले 25, तो 25 आपको मैं याद दिला दूं ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एक फॉर्मूला होता है जो बेसिक में। तो चलिए ए के जगह पर मेरा है 6 प्लस और एन माइनस डी, तो एन कितना हम निकाल रहे हैं, एन का वैल्यू 25 है, तो 25 माइनस 1 इंटू डी, इसे आप अगर सॉल्व करेंगे तो 6 हो गया और ये 24, और डी का वैल्यू आपका निकला हुआ है वह है 3, यहां आप बैठाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और ये हो गया 4 × 12 और 3 × 6 = 72 और टोटल आ गया ये 78। क्लियर। अब हम उसी तरह से ए 15 निकालेंगे, ए 15 का भी वही फॉर्मूला 6 + 15 − 1 × 3, फॉर्मूला वही लगा दिया एन वाला। अब यहां देखिए ये हो गया 6 और 15 + −1 14 × 3 हो गया ये अपनी जगह पर, तो इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 6 हो गया, 4 × 12 और 14 × 42 आप लोग जानते ही है, तो ये हो गया 48। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है ए 25 − ए 15 = 78 − 48, ये हो गया आपका आंसर 30। सो स्टूडेंट्स आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं इसलिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, टाइम टेकन होगा अगर आप, क्योंकि यहां पर हमें शॉर्ट ट्रिक्स नहीं पढ़ना है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका 2 नंबर में बहुत इजी। देखिए एपी का क्वेश्चन में जो आपको पढ़ना है एनथ टर्म ही पढ़ना है, जिसमें आपको यहां पर देखिए साफ साफ एकदम क्लियर है ये फॉर्मूला आप याद रखिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं।
इसी का और दिया हुआ था, यानी वन का ये क्वेश्चन है उसी का और दिया हुआ है क्वेश्चन। आप अगर चाहे तो देखिए बोर्ड पर लिखते तो काफी टाइम लगेगा, हम शॉर्ट में लिखेंगे, आप ये स्क्रीन में भी देख सकते हैं। सो इफ द सेवन टाइम्स, इफ द सेवन टाइम द सेवन टर्म ऑफ एनएपी इक्वल टू फाइव टाइम्स द फिफ्थ टर्म, देन फाइंड द ट्वेल्थ टर्म। देखिए यहां पर क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि सेवन टाइम्स, ठीक है, टी सेवन, जिसको हम लोग सेवन भी टी से इंडिकेट करते हैं या तो ए से इंडिकेट करेंगे, जनरली आप लोग अभी जो इंडिकेट करते हैं वो इस पोजिशन से कीजिएगा, सेवन इक्वल है फाइव टाइम्स ऑफ टू ए फिफ्थ, यह क्वेश्चन कर रहा है। उतना क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उसको मैंने यहां पर शॉर्ट में लिख दिया कि क्वेश्चन कह रहा है कि सेवन टाइम्स ए सेवन का सेवन टाइम्स इक्वल है फाइव टाइम्स ए फिफ्थ टाइम्स के बराबर है, दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। चलिए अब यहां पर से आपको क्या करना होगा, लैंग्वेज याद रखिएगा, मार्किंग से भी है, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी, ये लैंग्वेज लिखिएगा। ये अगर आप लाइन लिखते हैं तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, पूरी मार्किंग स्किप से बता रहे हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिएगा, जो क्वेश्चन कह रहा था सेवन टाइम्स ए सेवन इक्वल टू फाइव इंटू ए फाइव, ये हो गया मेरा क्वेश्चन। ये कह रहा था कि किसी का सेवन टर्म जो है वो सात गुना अब ए का पांचवा टर्म का पांच गुने के बराबर है। तो चलिए अब आप ए सेवन लिखिए, ए सेवन का मतलब क्या हो गया, ए एन का फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला लगेगा। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से जहां एन है वहां पर सेवन रखिएगा और इसके लिए वहां पर फाइव रखिएगा। चलिए यहां पर लिखिए आप ए प्लस सेवन में से वन घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा डी, ये आपका अपनी जगह पर होगा इक्वल टू, ये फाइव रहने दीजिए और इसको लिखिएगा तो ये हो गया फोर डी, पांच में से एक घट गया चार डी। अब इसे सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये सॉल्व करके आएगा सेवन ए प्लस 42d, सात एकम सात, सात छः बयालीस इक्वल टू 5a प्लस पाँच चौके 20d, ठीक है। अब इसको सेपरेट सॉल्यूशन कर लीजिए a और d के फॉर्म में, ठीक है। जैसे इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो चलिए इसको देखते हैं क्या सॉल्व करके आता है। यहाँ तक अगर आएंगे तो ये दो उसको इधर ले आइए, कितना हो गया, दोनों को इधर ले आइए, 7a प्लस 42d माइनस 5a माइनस 20d। चलिए अब पूरी दोनों टर्म को इधर ले आया माइनस में, कैंसिलेशन कीजिएगा जीरो हो जाएगा, सात में से पांच घट गया तो आपको कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है 2a प्लस 42 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचना चाहिए, 22b बचेगा इक्वल टू जीरो, यही बचेगा। यहां का कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। अब यहां पर से आपको ये याद दिला दे कि आपको हमको निकालना है क्या, क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, ट्वेल्व टर्म निकालेंगे, कितना टर्म निकालेंगे, ट्वेल्व टर्म। तो चलिए यहां से आप दोनों से यहां से क्या कॉमन निकल रहा है, ओ नीचे नहीं दिख रहा है, चलिए आगे यहां देखते हैं, यहां ठीक है, यहां से दोनों से टू कॉमन निकल जाएगा तो टू इक्वल टू ए प्लस 11d इक्वल टू जीरो हो गया। तो यहां सॉल्यूशन कीजिएगा तो 11d इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये ऑलरेडी किसका फॉर्मूला हो गया, टी ट्वेल्व का फॉर्मूला हो गया, बोलिए कैसे, चलिए इसको हम एक्सप्लेन यहां करते हैं। अगर ट्वेल्व है तो टी ट्वेल्व का टर्म का इस फॉर्मूला बेस पर रखिए तो क्या मिलेगा, ए प्लस ट्वेल्व माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो, तो ए प्लस ट्वेल्व में से वन गया कितना गया, 11d इक्वल टू जीरो, वही आया कि नहीं आया, तो इसका मतलब हो गया टी ट्वेल्व का वैल्यू जीरो आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई इसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और चलिए अब आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन को उठाते हैं, उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे। चलिए सेक्शन वन का क्वेश्चन पूरा हम लोग यहां पर सैंपल पेपर का सॉल्यूशन आपको बताया जा रहा है, चलिए इसको रफ करते हैं और क्वेश्चन को अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2। सो गाइस अगर आप चाहते हैं कि पूरी तरह से कोर्स कंप्लीट पढ़ाया जाए
तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर टू की बात अगर हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, वैल्यू ऑफ एम, सो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, हम शॉर्ट में लिखते हैं वैल्यू ऑफ एम निकालना है किसमें, एम एक्स फाइव एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो हैज टू इक्वल रूट्स। यहां कहा है हैज टू इक्वल रूट्स। देखिए ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे प्लेलिस्ट में तो ये मिल जाएगा। तो यहां पर हम सॉल्यूशन करेंगे, तो अगर आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले यहाँ कंडीशन जो टू इक्वल रूट्स है इसका मतलब डी का वैल्यू जीरो होगा, ये याद रखिएगा। टू इक्वल रूट्स का मतलब हो गया डी का वैल्यू जीरो होना। अब यहां पर से देखिए एम एक्स ये फाइव एक्स माइनस सिक्स हो गया इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई, चलिए ये हो गया एम फाइव एम एक्स स्क्वायर, क्लियर फाइव एम एक्स स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सिक्स एम एक्स इक्वल टू जीरो निकलेगा। यहाँ के बाद अब आपको ये पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में ए है तो यानी ये फाइव एम जो है वो मेरा ए का रोल अदा करेगा। दूसरा अगर देखे एक्स के बगल में बी है तो एम ये जो वैल्यू माइनस के साथ जो है वो वैल्यू माइनस सिक्स एम जो है वो मेरा बी का वैल्यू है। सी यहाँ पर नहीं है, कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, जिसके कारण यहाँ जो वैल्यू होगा वो जीरो होगा। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है इक्वल टू हैज इक्वल रूट, दैट मीन्स डी का वैल्यू जीरो हो गया। अब यहां से बाबू आप जानते हैं फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो होता है, तो बी का वैल्यू हमारे पास ये वैल्यू है तो ये आप यहाँ पर पुट कर दीजिए सिक्स एम स्क्वायर माइनस फोर, ए का वैल्यू आपके पास फाइव एम दिया हुआ है और सी का वैल्यू आपका जीरो है इक्वल टू जीरो हो गया। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यह हो गया थर्टी सिक्स एम स्क्वायर और फोर ए सी किया था तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, ये हो गया आपका जीरो, क्लियर। तो इसको हम लोगों को अभी आप एक्सप्लेन यहां हम करते हैं, तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, यहां पर से अगर आप देखेंगे तो एक और क्वेश्चन में साइड छूट गया है क्या, सिक्स एक्स एम स्क्वायर टू स्क्वायर वैल्यू ठीक है, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्टिंग है वो थोड़ा सा मैं आपको देख लूं कि यहाँ पर c का वैल्यू अगर जीरो आएगा ये m द वैल्यू एम एक्स, यहाँ पर मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, थोड़ा सा एरर है। देखिए सैंपल पेपर का अगर आप सबमिशन देखेंगे तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एम एक्स फाइव माइनस सिक्स, अगर इस हिसाब से आते हैं तो m का वैल्यू हमें क्या मिल जा रहा है, देखिए एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो बाई थर्टी सिक्स आएगा, यही मिल रहा है, नहीं समझ में आ रहा, यहाँ देख लेते हैं तो थर्टी सिक्स एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ रहा है तो m का वैल्यू जो हो गया वो जीरो आ जा रहा है। देखिए हर हाल में m का वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो में आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन है तो इस हिसाब से जो क्वेश्चन सैंपल पेपर पे दिया है उसके अंदर से ये सही आंसर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्टिंग किया जा सकता है कि अगर यहाँ पर प्लस में कुछ वैल्यू दिया होता जैसे कि मान लीजिए एम एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स और यहाँ पर कोई नंबर दिया होता तो यह वैल्यू चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इस क्वेश्चन में जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ ट्विस्टिंग है, ठीक है, लेकिन एक बार आप लोग इसको लेकर बनाइएगा, नाइन लेकर बनाइएगा, सी की जगह पर नाइन बैठाइएगा तो ये जीरो नहीं होगा, जब ये जीरो नहीं होगा तो एम का वैल्यू भी जीरो नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मिसप्रिंट है लग रहा है और सिंपल पेपर में। चलिए क्वेश्चन नंबर अभी हमने सॉल्व किया है टू, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए चल रहा है और एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन चेक करेंगे और अच्छे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास है जो सैंपल पेपर का सोल्यूशन है, क्वेश्चन आप लोग के पास है, सिंसियर स्टूडेंट्स हमेशा सबसे पहले डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये है मेरा सेंटर पॉइंट है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये हमारा टेंजेंट है, देखिए ये हमें
टेंजेंट के रूप में बता रहा है, टच कर रहा है, ये टेंजेंट है, ये पॉइंट पी है और यहां से यहां का वैल्यू रेडियस है और ये वैल्यू आर दिया हुआ है, और ये जो लेंथ आप देख रहे हैं वो टू आर दिया हुआ है, और ये यहां से लाइएगा तो ये पूरा बी पार्ट है और ये ए है, क्लियर। अब में क्या करना है, सारा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए पी बी यानी इसको फाइंड आउट करना है इसका एंगल कितना होगा, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल नजर आ रहा है यानी ए पी बी जो ट्रायंगल है वो कैसा ट्रायंगल है। तो चलिए अब हम यहां पर सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले ये जानिएगा कि टेंजेंट में जो एंगल यहां पर, अगर ऐसे हम बना देते हैं, एक सेंटर पॉइंट यहां है और ये सर्कल है, तो सेंटर से ये जो टेंजेंट के बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ये याद रखिएगा। तो यहां पर ये एंगल जो बनेगा वो कितने एंगल बनेगा, वो 90 डिग्री का बनता है, ये याद रखेंगे कि यहां पर जो है वो 90 डिग्री। अगर हम यहां 90 डिग्री हो गया तो मेरे लाइन के हिसाब से ये ट्रायंगल की बात कर रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा आसे से बता रहा हूं ताकि इस फील्ड में बनाने से कोई फायदा नहीं है, थोड़ा सा टाइम टेकन लीजिए और अच्छा से समझते हैं। ये यहां पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है, ये आपको अच्छी तरह से पता है, और ये रेडियस दिया हुआ है, और ये वैल्यू जो दिया हुआ है यहां पर एच का वैल्यू वो 2R है, और ये मान लीजिए एंगल थीटा, ठीक है ना। हमने क्या किया, इस एंगल को अभी ब्रेकअप किया। अब इसको ब्रेकअप के बाद चलिए स्टूडेंट्स यहां देखते हैं, इन ट्रायंगल APO से बात कीजिएगा, APO से बात करते हैं, तो आपको यह पता है साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं पी बाई एच, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, तो ये तो एच है, तो पी हमारे पास जो मिलेगा वो होगा ये वैल्यू, ये हो गया मेरा पी परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ट्रिगोमेट्री के हिसाब से आप जानते हैं अच्छी तरह से, तो ये आर हो गया, और ये वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये टू आर है, आर आर कैंसिलेशन हो गया, 1/2 हो गया। अगर आप बात करेंगे साइन थीटा इक्वल टू 1/2, अब याद कीजिए थीटा का वैल्यू किस में होता है, तो ये साइन 30 डिग्री में होता है, साइन दोनों तरफ से आप इसको ड्रॉप करें तो थीटा का वैल्यू निकल गया 30 डिग्री। चलिए ये तो हमें समझ में अभी आ गया कि यहाँ का जो एंगल है वो मुझे मालूम हो गया है। अब आपको ये पता है कि यह जो एंगल जो होता है ये इसका जस्ट डबल होगा बड़ा, ये छोटा वाला जो एंगल दिख रहा है उस एंगल का, यह एंगल जो है टेंजेंट में, जब टेंजेंट में आप पढ़िएगा कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर ऐसे टेंजेंट हो और इस तरह से टेंजेंट हो और यहाँ पर ऐसे करके सेंटर पॉइंट को डिस्कस करता है, तो यह एंगल जो अगर थीटा है तो ये पूरा एंगल जो होगा वो टू थीटा होगा, तो उसी हिसाब से आप इसको लिखेंगे ए पी बी बराबर एंगल, आपका क्या एंगल है ए पी ओ दुगना होगा, ये आप जानते हैं ए पी ओ यानी 2 × 30 डिग्री, ये एंगल मिल गया 60 डिग्री, एंगल ए पी बी है ना, ये एंगल आपको जो निकालना था वो मैंने निकाल दिया कि यहाँ पर आपका जो हो गया वो 60 डिग्री है, तो पूरा एंगल जो है वो आपका ये कितना हो गया 60 डिग्री का हो गया। अब ये देखिएगा कि आपने पढ़ा है कि किसी भी सर्कल में कई टेंजेंट्स अगर होंगे तो ये टेंजेंट्स आपस में बराबर लेंथ बराबर होंगे, यानी पी ए का जो लेंथ होगा वो पी बी के बराबर होगा, ध्यान से समझिएगा, ये जो लेंथ अगर आप देख रहे हैं पी ए जो है वो पी बी के लेंथ के बराबर है, तो इसका मतलब है ये दोनों एंगल जो है यहाँ पर तो आपको पता है 60 डिग्री एंगल बनेगा, तो ये एंगल भी 60 डिग्री का हो गया और ये भी तो पूरा 60 निकल ही गया है, तो ये इक्वालेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, इक्वालेटरल ट्रायंगल है, आप इसको मेंशन करके लिखेंगे कि ट्रायंगल ए पी बी इज इक्वालेटरल ट्रायंगल, इक्वालेटरल ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसमें तीनों साइड बराबर हो, तो आपका फाइंड आउट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर को हम देखते हैं, क्या है क्वेश्चन आप लोगों के पास है और मैं यार डिस्क्रिप्शन में इसमें वीडियो में भी लिंक दे दूंगा, वहां से आप क्वेश्चन डाउनलोड कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है फोर नंबर है, ये मेंशुरेशन से क्वेश्चन है,
बोला कर सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ये देखिए ये कोन होता है, ये आपका, ये आपको मैं बताते जा रहा हूँ, ये है पार्ट आपका कोन का और ये होता है इसकी मैक्सिमम हाइट और यहां से यहां पॉइंट होता है रेडियस और इसको कहते हैं लिटरल हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई इन हिंदी में। तो चलिए यहां से देखिए ए ओ बी हो गया। यहां पर, यहां पर आप देख रहे हैं कि यह जो एंगल बनता है यहां पर 90 डिग्री बनता है। अगर हमें किसी भी चीज का, अगर एक दो तीन चीज है, तीन चीज है देखिए ए आर एच एल, इन तीनों में से अगर कोई भी नहीं मालूम होगा तो दूसरा मालूम कर सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है। ये कर्व सरफेस एरिया राइट सर्कुलर का जो दिया हुआ है, यानी कर्व सरफेस एरिया बराबर होता है पाई आर एल, यही होता है। और कर्व सरफेस दिया हुआ है इफ द रेडियस इज द 56, तो आपको हाइट मालूम करना है। तो सबसे पहले आपको ये क्या मालूम करना है, हाइट मालूम करना है। और फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया बराबर, देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन बराबर पाई आर एल। पाई का वैल्यू आप यहां पर आप रखेंगे 22/7 और आर का वैल्यू दिया हुआ है वो 56 दिया हुआ है, यहां 56 रखिए और ये हो गया लेंथ। कर्व सरफेस एरिया यहां दिया हुआ है 12320, ये आपका दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया, क्लियर। अब इसको देखिए 7 से ही काटेंगे तो 8 बार में कैंसिलेशन हो रहा है। इसके बाद अब यहां पर 12320, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 8 2 16 और 8 2 16 176 इंटू एल। अब यहां से आप एल निकालेंगे तो 1230 बाय 176, अब इसको कैंसिलेशन आप अगर करते हैं तो 7 6 42 7 यानी 70 बार में मैं देख रहा हूं कि ये कट रहा है, ठीक है। तो एल का वैल्यू आपको मालूम हो गया, वो हो गया 70। आपको आर मालूम है और एल मालूम है, तो मैंने पहले ही भी कहा था इसको राइट ट्रायंगल कह रहे हैं, यहां पर फॉर्मेशन होता है, ये आर है, ये एल है, ये एच है, ये आपको 56 दिया हुआ है, ये आपने निकाला है 70, तो ये निकालिए राइट ट्रायंगल के प्रॉब्लम। पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई कीजिएगा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यानी 70 का स्क्वायर यहां पर अगर आपको नजर नहीं आएगा तो चलिए यहां देखते हैं, है ना। यहां पर अगर आप एच स्क्वायर निकालेंगे तो 70 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर, अगर आप इनको सॉल्यूशन कीजिएगा तो यह हो जाएगा 70 + 56 और 70 - 56 इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखिए एच स्क्वायर अपनी जगह पर है, 70 + 56 को जोड़िएगा तो 6 हो गया ये और 5 + 12 = 126 और इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 4 और इधर आ गया तो 1, ठीक है। 6 × 10 = 5 × 6, ठीक है। अब यहाँ पर से अब एच का वैल्यू निकालना आपके लिए आसान हो गया, 126 × 14, ठीक है। तो इसको अभी हम अगर चाहें तो आप इसको प्राइम फ्रैक्शन मेथड से तोड़ दीजिए, 8 का वैल्यू जो होगा वो 42 सेंटीमीटर आ होगा, वो आपको स्क्वायर रूट निकालने आता है। सो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था अभी तक हमने क्वेश्चन 4 को देखा है। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, स्क्रीन शॉट ले लिया कीजिए। ये हो गया पूरी तरह कंप्लीट हमारा ये अभी क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हमारे पास है 5 नंबर का एक मीन मीडियन से है, उससे पहले जरा सा इनको फिलअप कर लिया जाए, देखते हैं इसको और भी सॉल्यूशन किया जाएगा। सो गाइस वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आप 5 को थोड़ा सा पढ़िए। तो 5 में है स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, इसमें आपको मिस्टर गर रिकॉर्डेड द मार्क ऑब्टेंड टू हर स्टूडेंट इन फ्लोइंग टेबल, एक टेबल दिया हुआ है। सी कैलकुलेटेड द मॉडल, देखिए यहाँ अब मॉडल्स आ गए क्योंकि आपको पता है मीड मीडियन और मोड ही पढ़ना है हमें, है ना।
तो चलिए मिड मीडियम मोड के पार्ट को देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहां पर इसका सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं, हो गया। अब आगे देखते हैं डेटा क्या है, वो पहले लिखना पड़ेगा। देखिए यहां पर दिया हुआ है मार्क्स ऑब्टेन, मार्क्स ऑब्टेन, वो इंटरवल दिया हुआ है, ये 0 से 20 और 20 से थोड़ा फ्रेश कर देते हैं, 20 से 40 टू 60 टू 80 टू 100, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया मार्क्स ऑब्टेन का कॉलम। ठीक है, यहाँ पर पेज में नहीं है, चले देखते हैं इस साइड हमारा होगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्या है हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में, डेटा किधर है, प्रिंट इधर आगे पीछे हो गया है क्या? चलिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 5, 10 और ये मिसिंग पार्ट है, ये 6 है और ये 3, ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5th का। ठीक है, तो चलिए 5th में हमको क्या करना है, मॉडल दिया हुआ है और क्वेश्चन में कुछ है, छूट रहा है क्वेश्चन मॉडल में। अच्छा, मॉडल क्लास ऑफ स्टूडेंट 45 दिया हुआ है, यानी कि इसका जो डेटा जो स्टूडेंट बनाया है वो आपको 45 दिया हुआ है, आपको ये जो मिसिंग है ना वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसे फाइंड आउट करते हैं। पहली बात तो मॉडल का जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। मॉडल का फॉर्मूला अगर आप बात करें तो आप याद रखिएगा, मॉडल यानी मोड हो गया, मोड डल ही लिख देते हैं, मॉडल इक्वल टू एल प्लस क्या होता है, ये आपको एल प्लस एच, तो बाद में F1 माइनस F2 टू F1 माइनस F0 F2। ठीक है, ये होता है आपका मॉडल। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला हो गया, इसको याद रखिएगा। और I हम लोग कितने लिखते हैं, बहुत सारे लोग H लिखते हैं। देखिए मॉडल का जो फॉर्मूला है वो L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I, ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग मॉडल में सबसे पहले क्या किया जाता है, इस मॉडल में आपको दिया हुआ है, अगर हम देखें तो मोड दिया हुआ है, क्या क्या इसमें दिया हुआ वो पहले लिख दीजिए, वो दिया हुआ है मोड आपका 45। ठीक है, उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है कि देखिए ये जब 45 है और इसको पहले आप ऐड कीजिए, ठीक है ना, इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा, 10 और 5 15 15 और 6 21 21 प्लस 3 21 प्लस 3 24, यानी इसको अगर आप टोटल करेंगे तो 24 तो इधर हो जाएगा और ये मिसिंग है उसको मान लेते हैं ए। ठीक है ना, 10 5 15 6 21 21 23 24 24 प्लस ए, हो गया, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद अगर आप इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे तो मॉडल के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि सबसे पहले F1 F0 और F1 0 F2 मालूम करेंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, पहले यह देखेंगे कि सबसे पहले कि अगर L का वैल्यू अगर आप देख रहे हैं वो कितना आ रहा है, 40 आ रहा है ना L का वैल्यू, यानी ये जो सबसे ज्यादा जो मिसिंग नंबर है, जैसे मान लीजिए 40 टू 60, देखिए तो ये जो वैल्यू होगा वो मेरा L होगा, यानी L का वैल्यू मेरा कितना हो गया, 40 हो जाता है। अब उसके बाद जब L का, देखिएगा ये जब आपने इसको 40 रखा है तो इन दोनों के बीच का फर्क कितना है, सब जगह देखिएगा फर्क इंटरवल में, तो वो होगा आई, बहुत लोग एच लिखते हैं, वो है 20, घटा के देखिए सब जगह 20 घट रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर इतना निकाल लेते हैं तो आपको F0 जो होगा ये होगा F0, ये पार्ट जो होगा वो F1 और ये हो गया F2,
चूंकि यहाँ पर एक क्लियर कर देते हैं कि किस प्रकार से होता है कि अगर आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो देगा वो मेरा जीरो होगा, उसके बाद एफ वन फिर एफ टू, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर एफ जीरो का वैल्यू हो गया 10 और एफ वन का वैल्यू हो गया क्वेश्चन मार्क और एफ टू का वैल्यू हो गया 6। अब ये सारे जो डेटा अगर आपको मिल चुका है तो वो डेटा आप इस फॉर्मूले पे बैठाएंगे और जैसे ही सॉल्व करेंगे यहाँ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो पूरा हम इसको कर ही देते हैं। उम्मीद करता है इसको रफ करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये हो चुका हम लोगों का काम, ठीक है। अब खाली फॉर्मूला पर बैठा के काम करना है। तो मेरे पास जो है मॉड जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ 45, क्या बैठाइए 45। एल का वैल्यू जो निकाले हैं वो 14 निकला हुआ है, प्लस एफ वन का वैल्यू जो है वो आपके पास, एफ वन का जो है वो वैल्यू आपको तो निकालना था क्वेश्चन में, एफ वन माइनस। अब एफ जीरो का वैल्यू अगर आप देखने जाए तो वो है मेरे पास 10। अब यहाँ पर 2 इंटू एफ वन है, यानी एफ वन ये है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 एफ वन माइनस एफ, हाँ उसके बाद मेरे पास जो है एफ जीरो एफ टू, यानी 10 माइनस 6 और इंटू अगर आप करते हैं तो आई का वैल्यू मेरे पास 20 है। ये आप इसको माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा, इधर ले आके 45 में से 40 घटा दीजिए तो 5 बच जा रहा है। ये मेरा एफ वन हो गया, ये 10 हो गया और ये 2 एफ वन और 10 और 6 16 इंटू 20। देखिए यहां तक हम लोग सॉल्व कर लिए। धीरे धीरे बताने का मकसद यह है कि अच्छे तरह से धीरे धीरे समझिए और बढ़िया से बनाइए, है ना। यहां अगर आप करेंगे तो 4 बार में कट जाएगा और 1/4 आएगा, ये 4 डिवाइड चला गया है, ये हो गया एफ वन माइनस 10 और ये 2 एफ वन माइनस 16। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो 2 एफ वन माइनस 16 और ये इससे मल्टीप्लाई कीजिए 4 एफ वन माइनस 14, क्लियर। अब ये दोनों को सॉल्यूशन कर लीजिए और आपके पास आंसर रखा हुआ है। ये माइनस 40 को इधर लाइएगा, 40 माइनस 16 और ये हो गया 4 एफ वन और ये हो गया 2 एफ वन। इसको सॉल्व कीजिए तो 2 एफ वन और इसको सॉल्यूशन कीजिए तो 4 और 3 में से 2 गया 2, यानी ये 12 बार में कट गया तो एफ वन का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर सारा सॉल्यूशन मैं आपको जरूर बता रहा हूँ, कई बार इसे प्रैक्टिस कीजिएगा और यहाँ पर अभी आपको पूरी कंप्लीट चलेगा, सॉल्यूशन के साथ साथ पूरा कोर्स कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ गया है, वो कह रहा है रितु वियर, या क्वेश्चन को आप देख लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, रितु वियर यंगर 5 ईयर्स देन सी इज द रियली, यानी उसकी जो रियली उम्र है उससे। नंबर क्वेश्चन में था कि रितु का एज जैसा हमने माना वो एक्स है और इन दोनों को सॉल्यूशन किया गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि रितु का एज जो है प्रेजेंट एज से 5 ईयर्स यंगर, यानी 5 साल कम है, उसका स्क्वायरिंग करने के बाद क्वेश्चन में कह रहा है 11 मोर देन प्रेजेंट 5 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज, 11 मोर देन कर दिया 5 टाइम्स ऑफ एज हो गया, इसको सॉल्यूशन किया गया है, बाकी आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सारा सॉल्यूशन कर रहे हैं और मैं भी कर रहे हैं और एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की कोशिश किया जा रहा है। सो क्वेश्चन नंबर अगर आप 7 देखते हैं या इसी का और है, इसमें एक और क्वेश्चन है 6 का और क्वेश्चन को, चलिए आप जल्दी जल्दी थोड़ा कर लेते हैं क्या, 9x² माइनस 6px प्लस p² माइनस q² इक्वल टू 0। इसमें सॉल्व करके आपको क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए x का वैल्यू हम फाइंड आउट करने जाते हैं। यहाँ ये a का वैल्यू हो गया आपका 9 और b का वैल्यू हो गया माइनस 6p और d का वैल्यू हो गया p² माइनस q², तो डी इक्वल टू फॉर्मूला आप जान लेते हैं कि b² माइनस 4ac होता है, ये याद रखिएगा, इसको तो हमेशा याद रखना है। तो चलिए यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालने के लिए x का वैल्यू निकालना है
तो बड़ा फैक्टर है, इस तरह का फैक्टर बनाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले आप इसका डी निकालिए, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। अब बी का वैल्यू है मेरा सिक्स, माइनस सिक्स पी का स्क्वायर माइनस फोर अपनी जगह पर, ए के जगह पर नाइन रखिए और डी के जगह पर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर रखिए। अब आप इसको सॉल्यूशन कीजिए, ये हो गया 36 पी स्क्वायर। अब इसको देखिए, चार नवा 36, ये भी आ रहा है, माइनस 36 पी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस और 36 क्यू स्क्वायर। तो यहां से देखिए ये कैंसिलेशन हो गया, तो d का वैल्यू जो हो गया वो 36 क्यू मिला। अब आपके पास फॉर्मूला याद है x बराबर निकालने का, b माइनस प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई क्यू ए। अब देखिए इस फॉर्मूला पे हम सारे पॉइंट को रख देंगे, तो अगर आप देखेंगे यहां माइनस हो गया, b का वैल्यू मेरे पास माइनस सिक्स पी है, उसको रख दीजिए माइनस सिक्स पी, और प्लस माइनस रूट अंडर 36 क्यू स्क्वायर डिवाइड में 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है वो है 9, वो भी रख दिया मैंने 9। अब आप इसको सॉल्यूशन कीजिए, ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये हो गया प्लस, तो आप यहां 6 पी ले सकते हैं, यहां प्लस माइनस है ये भी रहने दीजिए, और आगे जब बढ़ते हैं 6 इज 36 यानी 6 क्यू यहां रख सकते हैं, बटे 9 दुनी 18, यहां से कॉमन निकालिए 6, यहां हो गया p प्लस माइनस q, दोनों में से 6 कॉमन निकल गया तो वो टर्म बच गया। यहां 18 रखिएगा, 3 से काटे हैं 3 गुना 6 3 9 18 है ना, यही तो बच रहा है 3 गुना 6 और 4, अरे अरे 3 गुना 6 और 3 6 18, यहां काटेंगे फिर 3 बार में, तो यहां पे मेरा मिलेगा p प्लस माइनस क्यू बाई 3, यही मेरा x का वैल्यू निकलेगा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। सो फ्रेंड्स यहां तक उम्मीद करते हैं 6 का और भी हो गया। चलिए अब 7 नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आज 14 कंप्लीट करना है इस वीडियो में। यहां पर अभी जो हम मैथ्स का जो सैंपल पेपर चल रहा है वो स्टैंडर्ड का चल रहा है, फिर इसके बाद आपको बेसिक का भी इसमें मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, सेक्शन बी हमारा यहां खत्म हो गया ए और शुरू हो गया सेक्शन बी। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है, 250 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहा है तो हमको मीडियन निकालना है जिसमें डेटा दिया हुआ है। डेटा में क्या दिया हुआ है, यहां पर आपका डिस्टेंस दिया हुआ है ना, और ये आपका डेटा ऐसे होगा 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 यानी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, ये दिया हुआ है। और यहां पर दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये दिया हुआ है 40, ये दिया हुआ 80, ये है 62, ये है 38 और यहां दिया हुआ है 30, ठीक है, यहां तक का अभी आपका दिया हुआ है। हमको इसमें से निकालना है मीडियन, क्या निकालना है मीडियन। तो मीडियन के लिए ये जो होता है इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, क्योंकि यहां पर फ्रीक्वेंसी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अनऑर्डर के फॉर्म में, कभी कम कभी बेसी, तो ये है मेरा फ्रीक्वेंसी यानी एफ। आपको मीडियन के लिए सी एफ निकालना होता है जिसको कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी कहा जाता है, कम्युटेटिव फ्रिक्वेंसी। इसके लिए तरीका यह है, ध्यान से देखिएगा, ये 40 का 40 हो गया, 40 में ये प्लस 8 जोड़ दीजिए 120 हो गया, इसको इसके साथ जोड़ दीजिए 62 प्लस 122, तो ये हो गया 182, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इनको इसके साथ जोड़ दीजिए, तो यहां पर 8 2 10, हाथ मेरा 1, 8 10 11 और 1 1 2, अब फिर इसको जोड़ दीजिए 240। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि लगता है कहीं मिस्टेक हुआ है, ये 40 8 4 12 20 0 6 2 8, ठीक है, अच्छा 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 यहां गलती हुआ है, 8 2 10 हाथ मेरा 1 और 8 3 11 12 220 प्लस 30,
ये देखिए 250। अब बोलिए हम ऐसा क्यों कहा था कि यहाँ क्वेश्चन में भी 250 स्टूडेंट दिया हुआ था और इसको भी ऐड करते हैं तो वो भी मुझे 250 मिलेगा। ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, यानी ये 250 है तो ये भी 250 ही होगा, ये दोनों में फर्क नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोगों को निकालना क्या रहता है, उससे पहले हम लोग को जानना होगा कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। तो मीडियन का फॉर्मूला आप जानते हैं वो होता है एन बाई टू, सॉरी यहां पर पहले एन बाई टू निकालेंगे, लेकिन एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई सी एफ बाई एफ इंटू आई, ये फॉर्मूला होता है मीडियन का। क्या होता है एन बाई टू सी एफ माइनस में एफ इंटू आई, हम आई जनरली लिखते हैं लेकिन यहां पर एच भी लिखते हैं लोग, ठीक है। तो चलिए यहां पर से अब हमको पहले निकालना होता है n बाई टू। एन बाई टू कैसे निकलेगा, ये जो सम है यही मेरा n है, ये मेरा हो गया 250 बाई टू, ये कैलकुलेशन कर दिया गया 200 2 2 4 2 5 यानी 125। अब यहां देखिए ध्यान देने वाली बात यहीं पर है, इसी से आप सी एफ निकालेंगे और इसी से f निकालेंगे। ये 250 है ठीक है ना, यहां देखिएगा ये हमारे पास अभी 125, तो CF में देखिए 125 के करीब करीब कौन है, तो सबसे ज्यादा करीब ये मिलता है 120F, यानी ये हो गया CF। और इससे जस्ट अगर आप ऊपर जाएंगे तो वो मेरा सॉरी ये तो आप सो मिटा देते हैं, नहीं बार बार कंफ्यूज अब करेगा, ठीक है ये आप प्लस किए थे, ठीक है। यहां से सी एफ निकलने के बाद उससे एक नीचे गिरिए, मतलब नीचे वाला फ्रिक्वेंसी में आइए, तो वो मेरा एफ हो जाएगा। और एफ के सामने वाला जो है वो जो वैल्यू होगा यहाँ फर्स्ट वाला वो एल होगा, और इन दोनों का जो फर्क होगा वो आई होगा। तो चलिए सी एफ का वैल्यू आपने निकाला है वो है 120, एफ का वैल्यू हो गया 62, आई का वैल्यू देखिए इसमें घटाइए, दो में से एक घटेगा तो एक ही बच रहा है, और यहां पर L का वैल्यू 2 है तो L का वैल्यू 2 है। मैंने सारा जो वैल्यू यहां चाहिए था वो मैंने रख दिया। अब यहां पर से मीडियन अगर आप बात करेंगे तो मीडियन बराबर L का वैल्यू कहां है, L का वैल्यू आपका 2 है, प्लस n by 2 यानी 125, और CF का जो वैल्यू है 120, और F का वैल्यू है 62, और ये I का वैल्यू 1। यहां से सॉल्व करके आइएगा तो 2 होगा, प्लस इन दोनों को सॉल्व करेंगे 125 में 20 माइनस किया तो हो गया 5, इसे सॉल्व कीजिए तो 62, और इसको मल्टीप्लाई 2 2 4 और 6 2 2 4 और 6 2 12 प्लस 5 यानी 129 बाई 62। अब इसे आप डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा, यानी 62 है यानी 2.09 ही आएगा, तो ये हो गया आपका मीडियन। तो पूरी तरह से ये मीडियन आप इससे निकालेंगे, पूरी तरह से सैंपल पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 मेरा कंप्लीट हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप ले लिया होगा स्क्रीन शॉट, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए और थोड़ा रफ कर दिया जाए इसको। चलिए इसको मैंने पूरी तरह से रफ कर दिया, हो गया। अब इसमें हम हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में जो है वो आपका कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन आप कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम 9 चलते हैं, कंस्ट्रक्शन में नहीं है, वो बोर्ड वाला जो बनाने वाला है वो अभी यहाँ पर इस क्लासरूम में नहीं है, रहेगा तो बता देंगे। चलिए डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है 1 डे क्रिकेट का और मीन निकालना है। देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ दिया हुआ है रन रिकॉर्ड या स्क्वायर, ये आपका डेटा दिया हुआ है मीडियन से, और नंबर ऑफ बैट्समैन दिया हुआ है, ऐसे नहीं लिखते हैं, इसे लिखते हैं, इसको हो गया यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ बैट्समैन, ठीक है। ये जो बैट्समैन है वो मेरा फ्रीक्वेंसी तैयार करेगा, याद रखिएगा ये जो होगा वो मेरा फ्रीक्वेंसी होगा। रन कितना दे रहा है 4 0 से 40 से 80
80 से 120, 120 से 160 और 160 to 200 ये आपका दिया हुआ है, ये डेटा आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन इंक भी लगता है खत्म हो रहा है, चलिए देखते हैं। फिलहाल यहां दिया हुआ है 12, यहां दिया हुआ है 20, ये दिया हुआ 35, ये दिया हुआ 30 और यहां दिया हुआ 23। इन सभी को सम कीजिए तो 5, 3, 8, 2, 10 के 0 हाथ मारा 1 और 3, 3, 6, 6, 4, 10, 11, 12, 120। यहां पर आपको निकालना है क्या, पहले देखिए ये समझना बेहद जरूरी है, मीन बराबर समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ होता है, यानी एफ तो निकल गया लेकिन एफ इंटू एक्स का भी हमें जरूरत है, उसका जोड़। तो यहां पर एफ तो है लेकिन एक्स क्या होगा, तो एक्स का तरीका निकालने का वो मैं यहां बता रहा हूं और उसके बाद यहां एफ इंटू एक्स निकाल देंगे इस कॉलम में, ठीक है। तो चलिए जब तक मैं ए को बताता हूं तब तक फिर आप लोग कीजिएगा। ये क्या करते हैं, मिनिमम प्लस मैक्सिमम यानी 0 + 40 को जोड़ के 2 से भागा कीजिए तो ये कट जाएगा 20 बार में, तो इसका हो गया 20। फिर इसके बाद 40 और 80 को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए तो देखिए ये हो गया 20, ये 2 से डिवाइड यानी 60, यहां हो गया 60। तरीका भी एक है और हम बता दें कि अगर आप बात करेंगे कि यहां दोनों का फर्क कितना आ रहा है, 40 का फर्क आ रहा है तो 40 जोड़ते जाइए, काम हो गया। ये हो गया 140 और एक मिनट, हाँ ठीक है यहाँ हो गया और ठीक है आगे बढ़िए, यहाँ 140 यहाँ हो गया 180। देखिए दोनों का अगर आप देखना चाहते हैं तो जी नहीं, देखिए 200 + 160 कितना हो गया 360, 360 का आधा 180 हो गया। चलिए अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई आप कर करके लिखते चलिए, ये हो गया 240, इसको मल्टीप्लाई किया तो 120, इसको इससे मल्टीप्लाई क्योंकि ये एफ है और ये एक्स, यही मल्टीप्लाई हमको लिखना है, और ये इसको मल्टीप्लाई किया तो 3500 और इसको मल्टीप्लाई किया तो 20 पहले और 14 = 42, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 18 × 33, ठीक है। सो स्टूडेंट जब तक आप इसको, तब तक हम इंक भर लेते हैं, ठीक है, तब तक मैं इंक भरने का प्रोसेस को शुरू करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अगर आप ऐसा रहे तो आपको हम कह ही देते हैं कंप्लीट, तब इंक भरते हैं 18 × 33, ठीक है, 8 × 3 = 24 हाथ में 2, 3 × 2 = 5, 8 × 3 = 52, 8 × 3 = 54, 8 × 2 = 36, ये हो गया 4, 6 × 5 = 11 और 4, 400 = 14, ये आपका निकलेगा 414। अब इनको सम आप कीजिए जब तक मैं इनको भर फिल अप करता हूं, ठीक है। जीरो लिखना छुट्टिएगा नहीं। अब इनको जैसे सम कीजिएगा तो सम जो टोटल आएगा इसका वो भी मैं आपको बता दूं क्या, वो आप जोड़ लीजिए तब तक एक टेक्निकल जो वर्क है उसको कर लिया जाए। इसका जो सम्स आ रहा है वो आप लोग लिए आएंगे, वो टोटल सम्स है 1, 3, 2, 8, 0। अब इसको आप क्या करें, मीन निकालना है ना मुझे, तो यहां पर लिखिए 1, 3, 2, 8, 0 divide 120, इससे आप इसको कैंसिलेशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1, 3, 2, 8 / 12 है, इसको डिवाइड कीजिए तो 12 × 11 = 12, 12 × 12 = 12, 0 पे बैठा कर फिर 0 × 6 अगर लगभग अप्रोक्स में आएगा, ठीक है, यानी 110 पॉइंट कुछ आएगा, वो मीडियन निकल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, चलो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, जरा आप जल्दी करें,
सेक्शन बी में अभी 10 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग हैं। पूरा सोल्यूशन आपको यहां बताया जा रहा है स्टूडेंट्स, एक एक क्वेश्चन का एक एक और भी नहीं छोड़ा जा रहा है, पूरा डिटेल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन जो है हमारे पास, यहाँ पर टू वर्टिकल पोल्स दिया, हाइट आर स्टैंडिंग। आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है दो वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट आर स्टैंडिंग 2 मीटर अवे। देखिए यहाँ पर एक पोल है, कौन छोटा है नहीं पता हमको मालूम, लेकिन 20 मीटर हाइट पर, ठीक है। उसके बाद अवे फ्रॉम ईच अदर ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप द फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकंड पोल इज द सेकंड। कोई भी फर्स्ट सेकंड मानिए, इसका पोल का जो है यहाँ पर एंगल जो है वो 60 डिग्री दे रहा है, ठीक है। एंगल एवोल्यूशन द टॉप ऑफ द सेकंड पोल ऑफ द फुट इज द 30 डिग्री, ठीक है। ये यहाँ पर इसका एंगल 30 डिग्री दे रहा है, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द पोल, यानी पोल का हाइट का डिफरेंस मालूम करना है। तो ये मान लीजिए कोई एक पोल ए बी है और दूसरा पोल आपका सी डी है, ये हाइट आपका एक्स है और ये हाइट आपका वाई है। तो चलिए आप देखते हैं, आप लिखेंगे, लैंग्वेज भी लिखना जरूरी है। तो ए बी इक्वल टू फर्स्ट पोल और सी डी इक्वल टू सेकंड पोल, ठीक है। अब यहां से इन ट्रायंगल ए डी बी से बात करेंगे, ए डी बी से, तो टेन 60 डिग्री बराबर पी बाई बी, और पी का वैल्यू ये पूरी हाइट है, ये हो गया मेरा वाई, और बी का वैल्यू है 20। अब टेन 60 का वैल्यू आप जानते हैं √3 होता है, तो वाई बाई 20 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, वाई इक्वल टू 20 माइनस मीटर हो गया। अब हम बात करेंगे छोटा वाला इस ट्रायंगल से जहां 30 डिग्री बना रहा है, तो चलिए यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल सी बी डी तो यहां पर टेन 30 डिग्री आएगा, क्या आएगा, टेन 30 डिग्री बराबर वही पी बाई बी है ना, वही वैल्यू आएगा पी बाई बी, यानी एक्स बाई ट्वेंटी। 10-30 का वैल्यू आप जानते हैं 1/√3 होता है, एक्स बाई 20 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एक्स का वैल्यू आप निकालेंगे तो 20/√3 आएगा। ये दोनों टावर का हाइट अभी मालूम हो गया, लेकिन हमें निकालना है क्या, दोनों हाइट का टावर का डिफरेंस। तो चलिए यहां निकालते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाई माइनस एक्स, वाई का वैल्यू है 20√3 माइनस 20/√3। सॉल्व करेंगे तो √3 ये इसे कैंसिलेशन हो गया, 20 या 60, ये 20 हो गया अपनी जगह, √3 हो जाएगा और ये 20 हो गया, यानी 40√3 मीटर ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना, देख लीजिए। सो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन जो है, इसको अगर आप चाहें तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मान इसको रेशनलाइज करके अगर आप रखना चाहें तो बाई 3। अब इसके बाद आप तो कोई उपाय नहीं है, यही मीटर होगा, और अगर आप चाहें तो √3 का वैल्यू 1.732 रख दीजिए, ठीक है, इतना आप कर भी देते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, कहीं कोई कटने वाला नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर और में, इसी का एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 10 नंबर में, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और में क्या कह रहा है कि एक बॉय है, देखिए एनसीईआरटी जरूर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, पूरा मटेरियल है पूरा यहां पर, देखिए ए बॉय द 1.7 मीटर टॉल द स्टैंडिंग द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ बिल्डिंग ऑफ हिज आइज द 60 डिग्री। जैसे एक बिल्डिंग है, यहाँ पर 1.5 मीटर का एक लड़का खड़ा है और बोलता है उसके आंख पर जो बिल्डिंग का आंख से यहाँ उसका एंगल जो बनता है वो 60 डिग्री बनता है, कितना बन रहा है ये 60 डिग्री बन रहा है। तो कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इसकी हाइट हमें मालूम करना है,
मान लीजिए ये ए बी बिल्डिंग है, ये सी डी है और ये आपका 1.5 मीटर हाइट है, तो ये भी 1.5 मीटर हाइट है, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स आगे हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर एक चीज और क्वेश्चन बोला है कि ये लड़का जो है वो आपसे कितना मीटर दूरी है। एक मिनट, क्वेश्चन छूट रहा है कि 1.7 मीटर है। चलिए एक्चुअली एनसीईआरटी में 1.5 दिया था, वही याद है 1.7 मीटर, और ये डिस्टेंस जो है वो 50 मीटर के दूरी पर है, क्लियर। तो चलिए अब यहाँ पर से हमको क्या लिखना पड़ेगा, ये मैंने क्या लिखा है, डी ए बी सी, ये बी है ए बी सी डी, तो ए बी इक्वल टू यहाँ पर लैंग्वेज लिखेगा ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, और सी डी इक्वल टू हाइट ऑफ बॉय, हाइट ऑफ बॉय। यहां तक समझ में बात आ गया, और ये दिया हुआ है 1.7 मीटर, क्लियर। अब आगे अगर आप इसको देखते हैं इस तरह से क्वेश्चन में, ठीक है। सो स्टूडेंट्स इस तरह से अगर आप आगे देखिएगा तो यहां पर हमें क्या मिलेगा कि इस ट्रायंगल से बात करेंगे, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल मान लीजिए, आप यहाँ पर क्यू मान लीजिए, आर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो ट्रायंगल से बात कीजिए, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है, ए सी क्यू, अगर आप यहाँ पर एफ ई मान लीजिए, कुछ भी मानिए ना, तो एंगल ए सी एफ इक्वल टू, ये आप बात हो गया ये यहां से यहां तक, तो चूंकि हमको हाइट मालूम करना था, ये मालूम कितना हमको होगा, तो आप ये इसका और इसका रिलेशन जो है वो टेन मारेगा। देखिए ये आप ऐसे तोड़ दीजिए, ये और ये, तो ये मेरे पास पी है और ये मेरे पास बी है, तो टेन 60 डिग्री बराबर होता है ए एफ बाई, एफ बाई आपका सी एफ। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो टेन 60 का वैल्यू होता है रूट थ्री, ये हो गया ए एफ, और सी एफ का वैल्यू 50, तो ए एफ का वैल्यू हो गया 50√3, कितना हो गया 50√3। अब आपको निकालना है, ये एफ मालूम हो चुका है, एफ बी मालूम 1.7, दोनों को सॉल्यूशन कीजिए, यानी 50 × 1.732, पॉइंट हटा दीजिए, नीचे हो गया 1000, एक जीरो कैंसिलेशन हो गया, ठीक है। अब आप इसको यहां इसको रफ कर दीजिए, अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, 5 × 5 = 10, 5 × 15 = 16, हाथ मेरा 1, 5 × 7 = 35 और 1 = 36, हाथ मेरा 1, 5 × 1 = 6, ठीक है। यहां पर 8 होगा, ठीक है, और यह हो गया 100, तो 10 ये कैंसिलेशन हो गया, तो 86.6 हो गया। अभी हमें फाइंड आउट करना ए बी, यानी ए बी जो है गया वो हाइट ऑफ बिल्डिंग मालूम करना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। हाइट ऑफ बिल्डिंग मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, आप कि इसको और इसको जोड़ देंगे, यानी 86.6 प्लस 1.7 मीटर को ऐड करेंगे, तो 7 × 12 = 13, हाथ मारा 1 × 6 = 7 हो गया, एक मिनट, 86.6, 1.7, 7 × 6 = 13, कैरी 1, 7 × 8, 88.3 आएगा मीटर, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकेंगे। सो स्टूडेंट्स इसी तरह से अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ये तो और में था, 10 का और था, ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 10 का और का सॉल्यूशन। उसी तरह से अगर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है, तो 11 में भी देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेंसुरेशन से, समझते हैं। थोड़ा रूरल एरिया में है घर, जान सकते हैं गांव में है, इसलिए मुर्गी उर्गी पाला जाता है, तो आवाज आता है बगल से, तो नहीं पढ़ने से हमें मतलब होना चाहिए। देखिए इंटरनल एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द स्पेरिकल सेल 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली,
मेल्ट रिकास्ट। देखिए यहाँ क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन कह रहा है बढ़िया से हम समझते हैं इसको, आप पढ़ते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल रेडियस ऑफ स्प्रिकल सेल, एक स्प्रिकल सेल है ठीक है, उसका रेडियस जो दिया हुआ है वो 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मिल टू इसको पिघला दिया जाता है और दोबारा एक सिलेंडर बनाया जाता है, यानी इसको बना के अबर क्या बनाया गया, सिलेंडर। यह हो गया मेरा सिलेंडर। अब इस सिलेंडर का जो आपको क्या क्या दिया हुआ है, सिलेंडर में दिया हुआ है, कहां गया इसका सिलेंडर, दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द सिलेंडर, फाइंड द हाइट निकालना है और डायमीटर 14 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक का 14 मीटर और ये आपको हाइट मालूम करना है। ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का पूरा आपको फाइंड आउट करना है कि क्या होगा इसका निकालना है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का फाइंड आउट करना है ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए यहां पर आपको जो रेडियस दिया हुआ है उससे हम लोगों का पहले इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम ऑटोमेटिक बराबर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे पास, तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सेल, ये हमारा सेल, सेल मतलब ऐसा है, देखिए यहाँ दो रेडियस था ना, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ सेल इक्वल टू फॉर्मूला आप जानते, बराबर होगा किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दोनों का वॉल्यूम सिलेंडर बराबर होगा क्योंकि इसी को पिघलाकर इसे सिलेंडर बनाया गया है। तो अगर आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर फॉर्मूला होता है 4π/3 r³, यानी 5q-3q, 5q-3q है ना, 5q-3q। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर आप निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर π r² × h, पाई हो गया, ये मेरा 14 गया तो रेडियस हो गया 7 और हाइट आपको मालूम करना है ठीक है। यहां के बाद आप सॉल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा और इसको पूरा सॉल्यूशन कीजिए, पाई का वैल्यू हो गया 22/7, यहां पर ऑलरेडी 3 था, ये हो गया 25 125 और 3 9 23 27, यहां पर हो गया 22/7 × 7 × h, ये 22/7 कैंसिलेशन हो गया। अब आपका यहां पर जो सॉल्यूशन कीजिएगा वो 4/3 होगा और इन दोनों को सॉल्यूशन करने के बाद 15 में से 8 यहां बच गया और यहां पर 11 बचा था, 11 में से 9 2 11 हो गया। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 7 × h मिलेगा। अब यहां पर से आप ये कैंसिलेशन हो रहा है, अगर आप इसको पूरी तरह से सॉल्यूशन कीजिएगा तो h का वैल्यू जो निकलेगा वो मैं बता दूं 8/3 निकलेगा ठीक है। क्योंकि यहां 7 का स्क्वायर होगा है ना, ये देखिए मिस्टेक ही हो रहा, 7 का स्क्वायर, तो 1 7 और आ गया, साथ साथ 14 हो गया, 14 को अगर ये से काटिएगा तो 2 बार में कटेगा 14, साथ साथ 49 हो गया, 49 को 2 से काटे 8/3 हो गया। चलिए h का वैल्यू निकल गया, अब हमको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इसको निकालना। इसके लिए फॉर्मूला आपका जानते हैं क्या होता है, 2πr r + h। अब आपके पास सब मालूम है, क्या मालूम है, यहां तो 2 हो गया, ये 22/7 हो गया, r का वैल्यू 7 का हो गया यहां पर, और 7 + और 8/3 आपका हाइट निकला हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर है। तो चलिए 7 से कट कैंसिलेशन करते हैं तो ये हो गया 44 और इसको सॉल्व कीजिएगा 7 * 21 21 + 8 यानी 29/3 आएगा, ये हो गया सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर जो भी यूनिट में दिया हुआ है, क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया हुआ था ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे डिवाइड कीजिए, अब आपका यहां से तो कैलकुलेशन आप खुद कर ही सकते, कर सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन